पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, क्या ये 12 पैसा का घोड़ा है मेरे भाई? क्योंकि कनाडा को आप हल्के में नहीं आ सकते। एक तो होम कंडीशंस पे ये खेल रहे हैं और पाकिस्तान का पता ही है कि क्या बैटिंग लाइनअप है उनका। मिडिल ऑर्डर तो पूरा ही शेकी, पूरा ही खत्म है। टॉप 3 प्लेयर पर रिलाई करते हैं, रिजवान, बाबर और फ़खर जमान। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्म नहीं है और कोई भी इस पिच पे खेलने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जहां मैच है वो है नसाऊ काउंटी, जहां पे कोई भी टीम कनाडा जितना रन नहीं मार पाई है। कनाडा अगर बात किया जाए यहां पे तो 137 रन मारी और 125 पे पैक कर दी आयरलैंड को, तो वो भी एक घोड़ा उड़ा के जीती थी। फर्स्ट बैट करते हुए कनाडा जितना रन यहां पे कोई नहीं पहुंच सका है। साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल की, इंडिया भी 119 तक पहुंची, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गई। तो कहने का मतलब है अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतता भी है तो नेट रन रेट में उसका कोई खास इजाफा नहीं हो सकता है, क्योंकि रन तो ज़्यादा मार नहीं पाएगा फर्स्ट बैट करते हुए भी, वो भी एक बात है। और डिफेंड भी कराना होगा इनको, तो बहुत बड़े मार्जिन से 40-50 पे ऑल आउट करना होगा, या फिर कनाडा को रोकना होगा और उसको जल्द से जल्द चेस करना, वो तो नामुमकिन है। तो कौन सी टीम जीतेगी? देखिए 12 पैसा यहाँ पे अभी फेवरेट है पाकिस्तान, और इस मैच में कुछ भी हो सकता है मैं ये बोल के चलूँगा। सेशंस तो आपको ज़्यादातर नॉट ही करने हैं चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फ्रेंडली कंडीशंस बैटिंग के लिए है नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। तो माइंडसेट चेंज करिए। 68-70% के करीब करीब पाकिस्तान फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और 32% कनाडा फेवरेट है मेरे भाई। तो कौन सी टीम जीतेगी वो रिस्की रहेगा, घोड़ा उड़ सकता है, जैकपॉट हो सकता है, चांसेस रहेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेशंस आपको नोट करने हैं। बाकी आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा सेशन यस कर रहे हो, नोट हो जा रहा, नोट कर रहे हो यस हो जा रहा और दिक्कत हो रही है, तो मेरे भाई कुछ भी मत करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिए। बहुत तगड़ा सेशन चल रहा है अपना, बैक टू बैक सारे मैच में सारे सेशन पास, चार पाँच लिमिट पास, तो आपको फ़ायदा उठाना है। सेशंस कैसे खेलना है ये मैं बताऊँगा, मैच में एंट्री कराऊँगा, प्रॉफिट बनवा के दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल काम आ रहा है। तो काम आप देख सकते हैं, कल 8 बजे मैच है, एक ही मैच है, काम आप देख सकते हैं इसको स्कैन करके। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन होके रखिए। क्यों होके रखिए? हर दिन मेरे भाई मैच आता है, नहीं आता है तो सेशन आता है, तो फ़ायदा उठाइए ना मेरे भाई। जो लॉस है रिकवर होगा। 7428525767 कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। तगड़ा काम आ रहा, बहुत ज़बरदस्त। आपको कोई मार्केट में सेशन नहीं पास करा सकता जिस लेवल का सेशन हम दे रहे हैं। ऐसी सेशन किंग नहीं बोला जाता मेरे भाई। लगातार लास्ट 5 से 6 मैच में सारे सेशन पास हैं आपको। देखिए एक और फंडा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता ही है, क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी टेलीग्राम लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन होकर डेमो के तौर पर जुड़े रहिए, फ़ायदा उठाइए मैच और सेशन का, कमाइए, बर्बाद करिए हाउस को और प्रॉफिट में आइए। रिकवर कराना हमारा काम, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो बोलेंगे बस फॉलो करना है। 23 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस ऑफ रन निगेटिव, ह्यूमिडिटी से कोई लेना देना नहीं। 10:30 बजे सुबह में मैच है न्यूयॉर्क टाइम से, तो मॉइस्चर ट्रैप रहता है और बोला जा रहा है कि सेकंड बैट को यहाँ पे एडवांटेज रहता है। और थोड़ा सा ये तो देखने को मिला है जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस कर रहा है, ड्राइनेस हटता है तो बैटिंग करना आसान हो जाता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, इंडिया होती और वही टारगेट रहता तो आराम से चेस कर ली होती। आपने देखा आयरलैंड के विरुद्ध इंडिया ने कितना आराम से इसी वेन्यू पे चेस किया था, जहाँ पे आयरलैंड स्ट्रगल कर रही थी, 13-14 ओवर में ही चेस हो गया था। तो सरफेस तो है ही अनइवन, बाउंस्ड स्पॉन्जी सरफेस, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी स्लो रह रहा है। स्पिनर्स के लिए कोई मदद नहीं है, स्पिनर्स तो मैं तो बोल रहा हूँ फालतू एक स्पिनर भी खिला रहे हैं, साउथ अफ्रीका को भारी पड़ सकता है। 5 मैच यहाँ पे देखिए टोटल हुआ है, जिसमें 2 बार फर्स्ट बैट, 3 बार सेकंड बैट, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 106 के करीब करीब है। तो यही सोच के यहाँ पे जैसे ही आपको एडवांस लंबी खेलना बहुत अच्छा रहेगा। 130, 140 पर 150 भी मिलता है, 160 हो तो आँख बंद करके मारते चलिए नॉट, 3-4 लिमिट तो एडवांस लंबी में सेफ रहेगा। 140 से ऊपर जितना मिले ये नोट करते चलिए, ठीक है। 137 हाई है, 77 लो है श्रीलंका का, 150 से ऊपर तो गया ही नहीं है, सारे स्कोर 150 से नीचे ही वाले हैं। देखिए 119 का टारगेट, 113 पाकिस्तान मार के यहाँ पे हार गई, 9 विकेट जो गिरा इंडिया का, पेसर्स ने निकाला और 6 विकेट जो गिरा वो पेसर्स ने, 1 विकेट इसमें। तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लिटरली नहीं है, 1-2 बॉल स्पिन करता है लेकिन जो रन लगेंगे, जो सेशन यस होने के चांस होते हैं 10 ओवर के, वो होते हैं स्पिनर्स के ओवर, क्योंकि स्पिनर्स का ओवर 4 ओवर निकालना पड़ता है इन लोगों को। 103 नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का पता ही है, 12 पे 4 हो गई थी, 9 में से 8 विकेट पेसर्स और 6 में से 5 विकेट पेसर्स। कनाडा देखिए 137 रन मारी, जो सबसे ज़्यादा रन मारी हुई है, और 125 तक रोकी आयरलैंड को, 5 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 4 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स, 37 विकेट पेसर्स के पास, स्पिनर्स के पास 4 विकेट है ओनली। तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 मैच में कितना ज़्यादा पेसर्स ने डोमिनेट किया है, 37 विकेट है, और मतलब बोला जाए तो ऑलमोस्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हेड टू हेड में बात किया जाए तो इन दोनों के बीच में एक मैच हुआ है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ही जीती होगी। रीसेंट फॉर्म देखिए ना पाकिस्तान का, विन
लॉस विन लॉस विन वही कनाडा का अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच यहाँ पे आयरलैंड को हरा के आ रही है, विन करके आ रही है, फिर लॉस है यूएसए से, लॉस लॉस फिर विन है। तो दोनों ही टीम लास्ट पांच मैच में दो दो मैच जीती है, लेकिन एक बात अच्छा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का भी लॉस ही है, लॉस लॉस विन लॉस लॉस। तो पाकिस्तान यहाँ पे लगातार दो हार के आ रही है, वही यहाँ पे कनाडा यहाँ पे विन करके आ रही है, विन और लॉस है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज कनाडा है, होस्ट नेशन भी एक तरह से, तो उनको फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगे और सबसे ज़्यादा रन मारने वाली भी टीम है। लास्ट 10 मैच पकड़ी है तो पांच मैच ये जीती है, ये तीन ही मैच जीत के आ रही है, 167 है एवरेज है, 195 हाईएस्ट है और 113 लोएस्ट है, तो इतना भी पहुँच जाए तो बहुत है। यहाँ पे ये देखिए 171 कोई मतलब नहीं बनता, 230 हाईएस्ट और 132 इनका लोएस्ट है, तो ये एक अच्छी बात है, कनाडा का ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है लास्ट 10 मैच। अब इस वेन्यू पे बात करते हैं, तो ये वेन्यू पे पाकिस्तान एक मैच हारी है और 137, ये उल्टा हो चुका है, कनाडा यहाँ पे और पाकिस्तान इसको मानिए, ठीक है। तो कनाडा एक मैच खेली वो जीती है 137 रन मार के, और यहाँ पे पाकिस्तान एक मैच खेली है वो भी हार गए 113 पे इंडिया के विरुद्ध। सेशन टिप्स का बात किया जाए तो 35-30 भी नहीं लग रहा है, यहाँ तो 30 से नीचे ही पैक हो जा रहा है ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम मैच एक कनाडा ही ऐसी टीम थी जो 37 मारी थी 6 ओवर में, बाकी कोई टीम यहाँ पे, इंडिया थोड़ा सा मान लीजिए तो 50 के करीब करीब पहुँची, और कोई टीम यहाँ पे नहीं पार कर पाई है फर्स्ट इनिंग में 30 के ऊपर। तो जितना नीचे मिले इससे 38-40 ये सब नोट करके चल सकते हैं, 60 तो कभी लगा ही नहीं है इंडिया को छोड़ के, खाली 80 रन मारा इंडिया ने भी, उसके बाद तो सारे सेशन नोट हो गए। तो ये ओपन सेशन यहाँ पे 47-48 ऐसा होता है, तो ये यस हो जाता है ज़्यादातर, फिर 88-88 यहाँ पे ये भी बहुत कम रेयरली लगता है 15 ओवर में, और उसके बाद 124-124 तो मतलब कंडीशंस जान ही रहे, एक यहाँ पे इससे 137 ही लगा, उससे बाद तो 124 तो पार भी नहीं हुआ, आज भी 124 नहीं आया, नहीं लगा साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान का बात किया जाए तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, फकर जमान, सदाब खान, इफ्तिकार इमाद, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर। इधर बात किया जाए तो एरन जॉनसन, नवनीत धालीवाल, प्रगत सिंह, निकोलस कीटन, श्रेयस मोवा, दिलप्रीत बाजवा, साद बिन जफर, डिलन हेलिंगर, कलीम सना, जुनैद सिद्दीकी और जेरेमी गॉर्डन, तो ये प्लेइंग 11 है दोनों ही टीम का। अब प्लेयर बैटल देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो बाबर आजम 13-44, 36-32, 45 लास्ट मैच थोड़ा मिस आउट है, और सबसे बेहतरीन प्लेयर अगर इस सर्फेस पे खेलने लायक है तो ये है, लेकिन इससे बेटर हमेशा बॉलर रहने वाले ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन के लिए। लास्ट मैच में भी हमारे टीम ने 770 पॉइंट निकाला था मेरे भाई, बुमराह कैप्टन था, शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन था, 13-3, 38-31, 16 तो इसका भी कुछ खास परफॉर्म इसको हटा के ही चलिए, रिजवान ठीक रहेगा 31-9, 23-0, 56। बैट्समैन में पिक करने के लिए रिजवान, बाबर आजम, फकर जमान को पिक कर सकते हैं 13-11, 9-45, 78। बाकी कोई बैट्समैन यहाँ पे केपेबल नहीं है इस सरफेस को खेलने वाला, इफ्तिकार का भी वही हाल होने वाला है 5-18, 21-23, 5 बॉलिंग भी नहीं किया लास्ट तीन में से 1-0, सदाब खान 4-40, 0-3-0 DNB और बॉलिंग से तो इनको दिया भी नहीं जा रहा है, इमाद वसीन 15-22, 1-4, 22-0, 2-1-0, 1 तो इसको बॉलिंग कराया जा सकता है, ठीक बॉलिंग कर रहा था, रन नहीं दे रहा था, 15 रन भी मारा ऊपर भी आ सकते, तो इसको आप पिक कर सकते हैं 1-0-0, 3-3, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी लास्ट मैच एक ही विकेट निकाला, बाकी हारिस रौफ ने 3-1, 3-2-1 तो ये बढ़िया प्लेयर है, इसको पिक कर सकते हैं, नसीम शाह भी 3-1, 0-1-1 इसको पिक कर सकते हैं, आमिर 2-1, 0-0-1 तो नसीम शाह, हारिस रौफ यहाँ पे हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर है, पीछे फेंकता और यही लाइन चाहिए यहाँ पे। एडन जॉनसन 14-23, 10-33, 1 हटाइए, प्रगत सिंह 18-5, 13-16, 0-1, 0-1, 0-1 सबसे बढ़िया ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे 50 का एवरेज इनका है ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, 6-61, 32-6-0 निकोलस कीटन 49-51, 52-15, 28 देखिए बैटिंग डिपार्टमेंट भी बढ़िया प्लेयर है, थोड़ा रुक के खेलता है, बारबाडोस का प्लेयर है, कैरेबियन नेशंस का, वेस्ट इंडीज़ का, तो इसको पिक कर सकते हैं। श्रेयस मोवा भी लास्ट मैच अच्छा खेला है 37-32, 2-0, 17 इसको पिक कर सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट। साद बिन जफर 1-DNB 2-20-22-29, 1-0-2-2-1 तो स्पिनर है हटाइए इसको, बाकी दिलप्रीत बाजवा 7-11, 3-33-52 बॉलिंग नहीं किया लास्ट दो मैच में 1-1-0 तो कोई मतलब नहीं बनता, हेलिंगर अच्छा बॉलिंग करेगा 2-1-4-0-2 इसको आप पिक कर सकते हैं अपोनेंट टीम में के तरफ से मेरे भाई। इधर देखिए कलीम सना 0 और उसके बाद 1-1 विकेट है, बाकी जुनैद सिद्दीकी 1-0-0-1-0, जेरेमी गॉर्डन 2-0-2-3-2 तो यहाँ पे गॉर्डन और यहाँ पे डीलन हेलिंगर के साथ जा सकते हैं, बाकी ड्रीम इलेवन टीम आप देख सकते हैं रिजवान के साथ बाबर आजम, निकोलस कीटन, शादाब खान, हेलिंगर, साद बिन जफर, मोहम्मद आमिर, जेरेमी गॉर्डन, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रौफ। कैप्टन आप यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी और वाइस कैप्टन इसको या फिर नसीम शाह को बना सकते हैं, बाकी ड्रीम इलेवन के मेरे भाई अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में टीम और नेक्स्ट लेवल टीम आ रहा, बाकी 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 मैच और सेशन खेलना है तो इस पर कॉन्टैक्ट करिए, और मैच और सेशन का भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं डेमो के लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।